नमस्कार, मैं हूं लोकेश पुष्कर और आप इस वक्त देख रहे हैं बिहार दस्तक। नगर निगम चुनाव अपने समाप्ति की ओर है। अब कुछ ही दिनों के बाद नगर निगम चुनाव होना है। ऐसे में जो चुनाव का प्रचार प्रसार है वह अंतिम चरण की ओर अब बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर से जो महापौर के प्रत्याशी हैं विशाल कुमार इस वक्त मजबूत तौर पर सामने हैं और मजबूत प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को जाहिर भी कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ रणनीति है अब इनकी बाकी, जो अंतिम दौर में ये खेलेंगे या अंतिम दौर में दिखाएंगे कि क्या कुछ इनके तरफ से होना है और बहुत विशेष और भी कुछ जानेंगे। विशाल जी, सबसे पहले तो बिहार दस्तक पर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरपुर के तमाम मतदाता मालिक को मेरा प्रणाम। मैं विशाल कुमार, महापौर प्रत्याशी, मुजफ्फरपुर नगर निगम। हमारा चुनाव चिन्ह मछली छाप जो कि 12 नंबर पर अंकित। विशाल जी, 14 प्रत्याशी हैं आपके साथ में, 14 प्रत्याशियों के दौर में आप भी हैं। आप अपने आप को अभी तक के आकलन में कहाँ देखते हैं ये बताइए। जी मैं अपने आप को जीतते हुए आक रहा हूँ। ये चुनाव मैं जीत चुका हूँ, सिर्फ एक औपचारिकता बाकी है कि 28 दिसंबर को मछली छाप पे बटन दबाना है और जीत सुनिश्चित हो जाएगी। मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास कराना है, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाना है। भ्रष्टाचार हटाना है, नगर निगम को स्वच्छ बनाना है, ये तमाम बातें हम लोग कर चुके हैं पहले के इंटरव्यू में। आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त की इस दौर में जो अभी का वक्त चल रहा है, हर कोई जो है अपना अपना एक उम्मीदवार घोषित कर रहा है। दिख रहे हैं कई लोग गुट बना रहे हैं, गुट बनाकर सामने आ रहे हैं। आपकी भी क्या इस प्रकार की कोई गुटबंदी या इस प्रकार की कोई योजना है, या आप भी इस प्रकार से कुछ पहल कर रहे हैं? मैं मुजफ्फरपुर के तमाम मतदाता मालिक के गुट का समर्थित उम्मीदवार हूँ। सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। आपको सबका आशीर्वाद प्राप्त है। चलिए, अब चूँकि कहा जाता है कि जातिगत आधार पर मुजफ्फरपुर के पूरे बिहार में जातिगत आधार पर ही चुनाव लड़ रहा था, निगम चुनाव भी उससे कहीं अछूता नहीं है। जातिगत समीकरण किस प्रकार से आप देखते हैं इसको चुनाव में, क्या क्या जातिगत समीकरण भारी पड़ेगा या विकास के जो वादे आप कर रहे हैं वो भारी पड़ जाएगा, ऐसा क्या लग रहा है आप? मैं विकास का वादा ही नहीं कर रहा हूँ, विकास करके दिखाऊंगा। एक विज़न लेकर आया हूँ, मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करूँगा, कम्प्लीट डेवलपमेंट करके दिखाऊँगा। हर मोहल्ले में एक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाऊंगा, हर मोहल्ले में स्कूल का निर्माण कराऊंगा, जल जमाव से मुक्ति दिलाऊंगा, स्लम बस्ती का जीर्णोद्धार कराऊंगा, कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं को रोज़गार दिलाऊंगा, शिक्षित सुरक्षित व्यवस्थित मुजफ्फरपुर बनाऊंगा, जाम की समस्या से मुक्ति दिलाऊंगा, जितनी भी समस्याएं हैं मुजफ्फरपुर में सबसे मुक्ति दिलाऊंगा, हंसता खेलता मुजफ्फरपुर बनाऊंगा, व्यापारियों को सुरक्षा दिलाऊंगा, हर क्षेत्र में काम करूंगा जिससे मुजफ्फरपुर खुशहाल हो, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाऊंगा, सिंडिकेट मुक्त नगर निगम बनाऊंगा। मैं ये जानना चाह रहा था, एक्चुअली मेरा अगला प्रश्न सिंडिकेट को नहीं करता। सिंडिकेट जो है वो भी एक्टिव हो चुका है, एक्टिव होकर काम कर रहा है। आप सिंडिकेट को भेद पाएंगे, आपको लग रहा है आसान है? देखिए, मैं क्या सिंडिकेट को भेदूंगा, चुनाव आयोग ने सिंडिकेट को भेद दिया है। चुनाव आयोग ने इस बार सर्वदलीय चुनाव का निर्णय लिया और उसी निर्णय के तहत हम लोग चुनाव में आए हैं और मुजफ्फरपुर के 2 लाख जितने भी मतदाता हैं वो तय करेंगे कि मुजफ्फरपुर का महापौर कौन होगा। मुजफ्फरपुर के वर्तमान विधायक और मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक नहीं तय करेंगे कि मुजफ्फरपुर का महापौर कौन होगा। जब उन्हीं के तय कर देने से महापौर बन जाता तो फिर क्या ज़रूरत था चुनाव का, वही 2 उम्मीदवार चुनाव में रहते और लोगों को तो मौका ही नहीं मिलता। तो इस कारण चुनाव आयोग ने तय कर दिया है कि इस बार मुजफ्फरपुर के तमाम मतदाता मालिक तय करेंगे मुजफ्फरपुर का महापौर कौन होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मतदाता मालिक, हमारे गार्जियन, भाई, दोस्त, पिता, माँ, बहन, चाचा सब लोग हमें अपना आशीर्वाद देंगे, हमें अपना वोट देंगे, सब लोग मछली का बटन दबाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाएंगे, सपनों का मुजफ्फरपुर बनाएंगे, शिक्षित सुरक्षित व्यवस्थित मुजफ्फरपुर बनाएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त विशाल थे, मछली का बटन दबाएंगे निश्चित तौर पर देखना। अब यह तो 28 तारीख को है कि जनता कितना मछली पर विश्वास जता पाती है और किस प्रकार चुनाव होता है और क्या कुछ परिणाम आता है। विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।